जनपद संभल के चंदोसी में जीनियस गर्ल्स स्कूल की रखी गई नींव। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदोसी का है, जहां पर जीनियस गर्ल्स स्कूल की नींव रखी गई। ये स्कूल केवल बालिकाओं के लिए ही होगा। ये स्कूल CBSE बोर्ड के पैटर्न पर संचालित होगा। इस अवसर पर स्कूल के संस्थापक पवन गुप्ता ने बताया कि हमने अपने क्षेत्र की बालिकाओं को उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इस स्कूल की शुरुआत की है। स्कूल में क्षेत्र की सभी बालिकाओं को उत्तम शिक्षा मुहैया कराना ही हमारा लक्ष्य है। इस विद्यालय की प्रेरणा कहाँ से मिली तो उन्होंने कहा कि यह सब प्रेरणा प्रभु के द्वारा ही दी गई है, जिसके बाद हमने इस स्कूल की स्थापना की है। आज जो आपके स्कूल का शिलान्यास हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? चंदोसी में एक बेटियों में एक अलग से शिक्षा दिलाने के लिए CBSE बोर्ड का, इसमें केवल छात्राएं ही पढ़ेंगी, ऐसा विद्यालय बनाने का संकल्प हमने लिया। क्या क्या सुविधा रहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो हम ये स्कूल बनाने चलो कि शहर के अंदर भीड़ भाड़ से दूर और उसे नहीं, तो हम यहाँ जो शिक्षा देंगे वो एक अलग तरह की शिक्षा देने का हमने अपना मन बनाया है। आजकल जो विद्यालय का जो सही स्वरूप है, यहाँ पर छात्राओं के लिए सामाजिक, शैक्षिक, मानसिक और शारीरिक विकास की बात हो, इसी को विद्यालय कहते हैं। अच्छा, आपने स्कूल बनाने की प्रेरणा कहाँ से ली है? देखिए, ये तो भगवान परमपिता परमेश्वर ने प्रेरणा दी है। हमने अपनी बेटियों को पढ़ाया है और हम अपने शहर की बेटियों को पढ़ाया है। क्या संदेश देंगे जनता के लिए? सभी लोग सहयोग करें और अच्छे समाज के निर्माण हेतु जो शिक्षाविद हैं यहाँ पर और जो सामाजिक लोग हैं, वो बेटियों के हित में कोई भी सुझाव हमें देना चाहेंगे तो उनका हम पूरा करने की प्रयास करेंगे। ये बताया जा रहा है, करीब में 5 साल हो गए आपको लगातार इसमें कार्य कराते हुए और मानता में कुछ देरी हो गई थी? नहीं, ऐसे कहना बिल्कुल निर्भुल है। ये जिलाधिकारी महोदय ने, हमने जैसी अपनी इच्छा प्रकट की, एक महीने के अंदर हमारा मैप स्वीकृत कराने का और जो 5 LOC है वो सब कराने का उन्होंने काम किया। और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी इस सामाजिक कार्य के लिए, कराने के लिए, बिना किसी देरी के जो है हमें सारी कंडीशन मिली।